कथा का नहीं है, लेकिन जो भारत में हुआ है वो क्या है। अगर हम किसी के समर्थन में एक बात बोल दें, कोई पोस्ट कर दें, तो हमारा सर काट दी जाए, ये मानसिक सर काट देंगे आप, और वो भी भारत में, वो भी स्वतंत्र भारत में। क्यों? आप किसी का समर्थन कर सकते हैं, आप किसी का समर्थन नहीं कर सकते हैं, ये आपकी पर्सनल विचारधारा हो सकती है। हो सकता है यहां आप कथा में बैठे, किसी को मेरी बात अच्छी लगे, किसी को नहीं लगे, लेकिन ये राइट कौन देगा कि हम अगर आपकी बात से सहमत नहीं तो हम किसी का समर्थन कर दे तो आप हमारा गला काट देंगे। मुझे लगता है ऐसी विचारधारा को रोकने के लिए टिक फॉर टैक करना पड़ेगा। बोलना था तो जोर से बोल लेते, और जोर से बोल लेते। मेरा कोई, आप क्या चाहते हैं भाई? और मैं फिर कह रहा हूं, जब तक टिट फॉर टैट नहीं होगा ऐसे लोगों के साथ, मेरा भारत पीसफुली कभी नहीं रह सकता। I am not against to anybody, but I want to save my religion and I want to save my country. और आप लोग भी अगर एक साथ, चाहे यहां चाहे वहां, अगर आप नहीं हुए, मैंने कल भी एक बात बोली थी, अगर आज आपने अपनी आवाज नहीं उठाई तो कल तुम्हारी आवाज को उठने का मौका नहीं मिलेगा, अवसर नहीं मिलेगा। अपने लिए, अपनों के लिए अपनी आवाज बुलंद कीजिए और निवेदन कीजिए कि मेरे देश में हो या देश सनातनी किसी भी देश में हो, उसकी सुरक्षा पहले होनी चाहिए, चाहे कनाडा में हो, अमेरिका में हो, इंग्लैंड में हो।